हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक। वीडियो आगे जाने से पहले बस इतना ही कहना है, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा है उसको दबा दें। दूसरा रोज़ा है आज रमज़ान का, जा रहे हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। अब यहाँ से पंजीम ही जाना पड़ेगा क्योंकि सबसे नज़दीक जो मार्केट है पंजीम ही है हमारे लिए। तो अभी टाइम 4 हो रहा है, 6:30 बजे से पहले आना है हमें। चलो चलते हैं। आ गए हैं मार्केट एरिया में, ये देखो पूरा मार्केट सब मिलता है यहाँ पे, सब्जी, चिकन, मटन, एवरीथिंग। देखो पीछे फिश मार्केट था, पहले हम लोग यहाँ पे सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेने आए हैं। ये देखो शाम का वक्त है, कोई ज़्यादा नहीं है फिश मार्केट में, लोग भी ज़्यादा नहीं है। और अगर सुबह में आएंगे ना आपको सब कुछ मिलता है फिश मार्केट में। आपको दिखाता हूँ फिश मार्केट, खाली खाली है वैसे, जितना भी है दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ फ्रूट्स, पूरा फ्रूट्स मार्केट, सब्जी का सब। ये देखो सब कुछ मिलता है यहाँ पे, पूरा पंजीम का सबसे बड़ा मार्केट है सब्जी का। वो पीछे फ्रूट मार्केट था जो बताया गया नहीं, वो सब्जी का मार्केट है। ये देखो, ये देखो ऊपर कपड़े का भी मार्केट है। वैसे ऊपर जाने का तो है नहीं हमें, सभी सब्जी और फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं। मैंगोज आए हैं यहाँ पे, वो पूछो कुछ है मैंगो। हाँ एक डजन दे दो। हो गया है, ले लिए हैं थोड़ी सी सब्जी फ्रूट्स वगैरह। अभी मैं यहाँ पे आम पूछा था कितना है केजी, 1200 रुपये किलो बोल रहे थे, मैं शॉक हो गया सुन के। 1200 गांव में जाएंगे तो फ्री में मिल जाएगा हमें, शॉक हो गया। परसों लेके आए थे 800 से, आज यहाँ पे 1200, दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहा है। तो अभी जा रहे हैं फ़िश मार्केट। वैसे जैसे मैं कहा था अभी फ़िश मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं है और क्या कहते हैं ज़्यादा फ़िश भी नहीं है, जितना भी है देखते हैं, अगर अच्छा दिखा तो लेते हैं या तो मटन लेकर निकलते हैं। देखो ये फ़िश मार्केट, अगर सुबह में आएंगे ना यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, पूरा भरा पड़ा रहता है। लेती हैं देखो, ये देखो पूरा सुबह में आएंगे तो चलने की भी जगह नहीं रहती है यहाँ पे। आपको तो लेना नहीं आ गया हमें। देखो ये मटन मार्केट, ये फिश मार्केट, हमारे उधर आम सस्ते हैं, यहाँ पे मच्छी सस्ती है। ठीक है, ये बहुत सस्ती है। तीन दिन पहले गया था मैं गोवन थाली खाने के लिए, गोवन थाली में सिफी दिए थे, टेस्ट मस्त था उसका। वो सोच रहे हैं लेने का, बिल्लियाँ तो सबसे ज़्यादा ऐश कर रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे वहाँ पर लेते हैं बिल्लियों के मज़े हैं, वेस्टेज पूरा इनको मिलता है, खा लेते हैं मस्त मज़े से। ले लिया सब कुछ, चलो अभी चलते हैं घर पर क्योंकि वक्त भी हो रहा है, तो 5:30 हो रहा है, अभी एक घंटा है हमारे पास। छोटी मोटी शॉपिंग करके अभी जा रहे हैं, वक्त भी ख़त्म हो रहा है क्योंकि इफ्तारी का टाइम है 6:50, तो पहुँचे तक हमें 10-15 मिनट लग जाएगा, अगर ट्रैफिक मिली तो आधा घंटा भी लग सकता है। चलो यू टर्न लेते हैं और चलते हैं घर पर। दोपहर में पूरा खामोश खामोश रहता है, मतलब पूरा साइलेंट रहता है यहाँ पे, शाम से भीड़।
देखो एग्जैक्ट यहाँ पर राइट में बैंक ऑफ इंडिया, उसके राइट में पंजिम का सबसे बड़ा मार्केट। एक्चुअल से ये रास्ता जाता हूँ मैं नॉर्मल से, अभी ये रास्ता प्रेफर कर रहा हूँ, यहाँ से भी जा सकते हैं लेकिन थोड़ा ऐसा घूम के जाना पड़ता है। चलो देखते हैं ये रास्ता कैसा है। मैप में, गूगल मैप में जब मैं देखा तो पूरा पानी के बाजू से रास्ता जाता है। देखो ये पुराना रास्ता है, ओल्ड गोवा जाने के लिए पुराना रास्ता पहले था, अभी ये ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है, अभी यूज़ में नहीं है, इस रास्ते से मैं नॉर्मल जाता हूँ। हाईवे वाला वो ज़्यादा चल रहा है, ये यहाँ पर भी ट्रैफिक है, तो पूरा पानी के बाजू से जा रहा है रास्ता। साल्ट की खेती हो रही है यहाँ पर, देखते हैं अगर मौका मिलेगा तो जाकर ये कैसा हो रही है वो नेक्स्ट अभी अगर मौका मिलेगा। ये वाला रास्ता मस्त है, बहुत अच्छा वाइब दे रहा है, ये पूरा पानी, ये पूरा रिवर है हमारे लेफ्ट में जो अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। घर जाके ही निकलता है, पहुँच गए हैं घर पे, वैसे तो कुछ है नहीं करने को, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।